एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बुरी नज़र से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दुबई के अंदर एक मशहूर चेन है, एक बड़ी बेसिकली एक्सचेंज हाउस है जिसको हम अल अंसारी एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को पता है, जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान में एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ हम जाके मनी कन्वर्जन होती है, जहाँ पे पैसा जाके हम कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है ना, रुपीस टू धरम करवाते हैं, रुपीस टू रियाल करवाते हैं, या एक्सचेंज में जाके किसी कंट्री में पैसे भिजवाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है एक अल अंसारी एक्सचेंज है जो कि हायरिंग कर रही है, लेकिन इसके क्या सीन चल रहा है, अभी बेसिकली वॉक इन इंटरव्यूज नहीं चल रहे। मेरा एक दोस्त है वो अल अंसारी एक्सचेंज में काम करता है, उसने मुझे बताया कि वो लोग जो इनकी वेबसाइट पे जाके और अप्लाई कर रहे हैं और उन लोगों को ये लोग सिर्फ कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। वैकेंसीज किस चीज़ के, मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। ऑल्दो की लिंक जो है इस कंपनी का, अल अंसारी एक्सचेंज का, और तमाम वैकेंसीज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाके क्लिक करके उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स के कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो तमाम उसके अंदर लिखी हुई है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनका एक्सपीरियंस, तमाम चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन जो डिटेल्स मेरे पास है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, इसके अंदर काउंटर सेल्स स्टाफ की जरूरत है, सेल्स स्टाफ की जरूरत है, पेरोल ऑफिसर्स वगैरह हैं, ठीक है, कंप्लायंस वगैरह के अंदर इसकी जॉब है, बैंक रिप्रेजेंटेटिव वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, जो काउंट आप जैसे एक्सचेंज में जाते हैं तो काउंटर के ऊपर, मतलब जो फ्रंट डेस्क के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं और आपको कन्वर्ट करके देते हैं या आपके पैसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो है। इन लोगों की सैलरी बेसिकली तकरीबन 3,500 से 4,000 तक इनकी सैलरी होती है, प्लस इनका कमीशन होता है, प्लस इनका एनुअल बोनस होता है, ठीक है ना, और तकरीबन इनकी 8 से 10 घंटे की ड्यूटी होती है। एक्सचेंज बहुत सारे ऐसे हैं जो 12-12 घंटे 18-18 घंटे भी खुले रहते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी की उसने मुझे बताया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो है इंडिया का पाकिस्तान का ही बंदा हो, ठीक है ना, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि बंदा यहाँ होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो लोग फिर इंटरव्यू कॉल करते हैं, दुबई में हेड ऑफिस है, वहां जाके जब इंटरव्यू होता है और बंदा अगर यहाँ नहीं हो तो फिर वो ऑब्वियसली वो अगर कॉल करते हैं बंदा यहाँ नहीं है तो फिर वो फायदा नहीं होता, तो वो कंसिडर उन लोगों को करते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये अपडेट्स थी, उसने मुझे बता दिया है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ अपडेट जरूर शेयर करूं। अल अंसारी एक्सचेंज अच्छी कंपनी है, वीजा भी देती है आपको, ठीक है ना, और अगर आपकी जॉब लग जाती है यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको बहुत फायदा भी होगा, तमाम एक दुबई का एक्सपोजर भी मिल जाएगा और ये तमाम चीजें, जो लोग बैंकिंग से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, वो जरूर अप्लाई करें, ठीक है ना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है ना, जरूर जाएं, जरा केयरफुली पढ़ें, तमाम चीजें देखें और वहां जाके जरूर अप्लाई करें, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।